हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D नी रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि जो गोल्ड इम्प्लांट नी सिस्टम हम यूज़ करते हैं नी रिसर्फेसिंग में, वो एक्चुअली गोल्ड प्लेटेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा मिसकंसेप्शन है। कई पेशेंट्स मेरे से आके पूछते हैं कि ये एक्चुअली में गोल्ड प्लेटेड होते हैं। तो ये जो आज का जो वीडियो है, ये उनको यही सबको यही बताने के लिए, सबको समझाने के लिए कि ये गोल्डन नी सिस्टम होता है वो एक्चुअली में गोल्ड प्लेटेड होता है या नहीं होता है। सो सबसे पहला जो इसका डायरेक्ट जवाब है, डायरेक्ट जो आंसर है, वो ये है कि ये गोल्ड प्लेटेड नहीं होते हैं। वो देखने में उनके ऊपर जो उनका जो कलर होता है, इट इज़ अ गोल्डन ह्यू, यानी कि वो देखने में गोल्डन ह्यू के लगते हैं। तो इसके लिए उनका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है गोल्डन नी सिस्टम। एक्चुअल में जो ये कोबाल्ट क्रोमियम के इम्प्लांट्स के ऊपर अगर हम टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड की कोटिंग करते हैं, उस कोटिंग के कारण, जो स्पेशल कोटिंग होती है, उसी कोटिंग के कारण जो ये इम्प्लांट्स होते हैं उनकी जो ह्यू होता है उसके ऊपर वो गोल्डन होता है। इसलिए उनका नाम गोल्डन नी सिस्टम होता है। ये कोटिंग DOT एक सेंटर है, DOT इम्प्लांट सेंटर है जर्मनी में, उसके ऊपर एक स्पेशल टेक्निक से की जाती है। इसी टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड की कोटिंग के कारण ही इन इम्प्लांट्स की जो लाइफ होती है नॉर्मल इम्प्लांट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। दूसरा जो एडवांटेज होता है ये कोटिंग का, इस कोटिंग के कारण जो फ्रिक्शन होती है इम्प्लांट्स के अंदर, जो हम ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मल घर्षण होता है, नॉर्मल जो वियर एंड टीयर होती है, वो टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड की कोटिंग के बाद वो जो फ्रिक्शन का जो रेट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो बहुत कम होता है। इसी के कारण ये ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ज़्यादा लास्ट करते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और पेशेंट्स को जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मल इम्प्लांट्स के कंपैरेटिवली बेटर फील होता है। और मेडिकली टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड की कोटिंग से ही पेशेंट को बेटर रिज़ल्ट मिलता है। थैंक यू।